मेरे हाथ में सत्ता की चाबी दे दो, 48 घंटे में पूरा महाराष्ट्र साफ कर दूंगा। ये कहना है राज ठाकरे का। राज ठाकरे यवतमाल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उनका यही कहना है कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है, हमारे देश में हो क्या रहा है, महाराष्ट्र में आए दिन रेप वाली घटनाएं हो रही हैं। ये जो अभी बदलापुर में स्कूल में जो मामला हुआ उसे लेकर ही बयान देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि 48 घंटे के लिए आप मेरे हाथ में सत्ता दे दीजिए, फिर उसको बताता हूं मैं कि महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस किस तरह से काम करती है, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे देश में, हमारे राज्य में आए दिन रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं और सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम है। एक तरह से राज ठाकरे ने सीधे सीधे तौर पर शिंदे सरकार के ऊपर भी सवाल उठा दिया है कि शिंदे सरकार से काम नहीं हो रहा है, सत्ता की चाबी जो है मुझे दे दो, फिर मैं बताता हूं कैसे होगा। अब देखिए, राज ठाकरे एक तेज तर्रार नेता है, वो जो बोलते हैं वो करते भी है। अगर यूपी बिहारी वाले मुद्दे को हटा दिया जाए, जो उन्होंने पिछले बयान दिए हैं, और वो बयान भी कुछ हद तक राज ठाकरे के सही भी थे कि जब भाई यूपी बिहार के बड़े बड़े नेता जो हैं, इतना बड़ा राज्य है, जब रोजगार नहीं देंगे वहां के लोगों को तो उन्हें राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में तो जाना ही पड़ेगा। उनका मुद्दा सिर्फ यही था राज ठाकरे का, और इस मुद्दे को उन्होंने एक डिबेट में क्लियर भी किया था कि वहां के नेता जो हैं अपने लोगों को काम क्यों नहीं देते, वहां रोजगार के अवसर क्यों नहीं प्रदान करते हैं, क्यों उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। हालांकि बिहार की हालत तो पहले से बदतर होते जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब मौके मिल रहे हैं क्योंकि वहां पर योगी सरकार है। योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, चाहे गुंडे माफियाओं के ऊपर लगाम लगाने की बात हो, चाहे रेपिस्टों को सजा दिलाने की बात हो। हालांकि एक दो मुद्दे जो राजनीति से जुड़े हुए रेप वाले मामले हैं वहां पर अभी भी डिबेट चल रही है, लेकिन बाकी जितने मुद्दे हैं, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, विकास का कार्य हो, सब कुछ हो रहा है। तो राज ठाकरे का यही कहना था कि अगर यूपी बिहार के नेता अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे राज्यों में उन्हें जाना पड़ेगा और इसी तरह से जलील होना पड़ेगा। ये बात उन्होंने एक डिबेट में कही थी। लेकिन अगर महाराष्ट्र में वाकई में एक अच्छे लीडर की जरूरत है तो वो, क्योंकि वो जो उनका काम है करने का, मुझे लगता है कि अगर उन्हें सत्ता की चाबी वाकई में दी जाएगी तो वो भी योगी जी जैसा ही काम करेंगे। जिस तरह से वो डिसीजन लेते वैसे राज ठाकरे भी डिसीजन लेने में माहिर है, एक्सपर्ट है, और एक डर है उनका, उनकी बातों का डर है कि जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। और महाराष्ट्र में वाकई में अभी तक ऐसा कोई तेज तर्रार लीडर वाकई में अभी तक नहीं आया है जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे और अच्छे डिसीजन ले सके। यहां पर सब कुछ बैलेंस चलता है, अभी तक वो बात नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर उनको मौका दिया जाए तो बहुत कुछ महाराष्ट्र में बदल सकता है।